Hello everyone, I am Sharmin Sultana. Welcome to my YouTube channel. If you are new to my YouTube channel, then don't forget to subscribe my YouTube channel. So guys, today's video is all about obtaining bumps or small bumps or aap isko small pimples bhi keh sakte ho, jo ki aksar forehead mein ho jate hai. Kabhi kabhi body par bhi hote hai, lekin guys, is a tiny bumps se ye zyadatar forehead mein ho jate hai. तो गाइस इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसा घरेलू नुस्खे या होम रेमेडी जो आप यूज करके आपके टेनी बम को ट्रीट कर पाओगे, रिमूव कर पाओगे. सो गाइस देर किस बात की, चलिए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन गाइस मूव ऑन करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे. सो गाइस ये जो टेनी बाम से इसको मैं टू स्टेप में ट्रीट करूंगी. जो पहला वाला स्टेप जो है वो है क्लींजिंग एंड दूसरा जो स्टेप है वो है फेस मास्क. सो गाइस क्लींजिंग फेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही चाहिए. सो गाइस क्लींजिंग के लिए मैं लूंगी हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ शहद, प्लस अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. गाइस अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करते है या आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ऐसे में आप लेमन जूस को स्किप भी कर सकते हो. एंड गाइस आप हम इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. एंड मिक्स करने के बाद आप हम अपने फेस पर इसको अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए लगा लेंगे. लगाने के बाद 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मसाज करेंगे. एंड उसके बाद आप हम अपने फेस को प्लेन वाटर के साथ अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे. गाइस ये जो क्लींजिंग है, क्लींजिंग करने से आपके फेस पर जो भी डर्ट है या डर्टी स्किन सेल है वो भी रिमूव हो जाएगा, प्लस जो भी एक्सेस ऑयल है या सीबम है वो भी रिमूव हो जाएगा, प्लस आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो जाएगा. सो गाइस चलिए आप हम चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर जो की है फेस मास्क. फेस मास्क फेस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. सो गाइस इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टीस्पून ऑफ बेसन, हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, प्लस गाइस आप हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ शहद. एंड आप हम इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. एंड मिक्स होने के बाद आप हम इस फेस पे 10 मिनट के लिए अपने फेस पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे. एंड आफ्टर 10 मिनट्स आप हम अपने फेस को क्लीन वाटर के साथ अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे. सो गाइस ये जो फेस मास्क है ये आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. जिस भी बैक्टीरिया की वजह से आपके फेस पर टेनी बम्स आ जाते हैं उसको ये किल कर देगा, साथ ही आपकी स्किन से जो भी टेनी बम्स का जो मार्क है उसको भी रिमूव करेगा, प्लस ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाएगा. सो गाइस बेस्ट रिजल्ट के लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसको आप हफ्ते में मतलब 1 वीक तक रेगुलर यूज करना है. एंड जो फेस मास्क है इसको आप हफ्ते में 3 बार यूज कर सकते हो. एंड इस तरीके से लगातार अगर आप 7 डेज तक ये जो रूटीन है इसका फॉलो करोगे तो 7 डेज बाद आप खुद ही देख पाओगे आपके फेस पर, आपके अपर हेड पर जो भी टेनी बम्स था वो बिल्कुल रिमूव हो गई है, प्लस आपके जो टेनी बम्स का जो मार्क था वो भी रिमूव हो गई है. लेकिन गाइस अगर आपको बहुत ज्यादा टेनी बम्स का प्रॉब्लम है तो 1 वीक में नहीं जाएगा, आपको ये जो रूटीन है इसको आगे तक कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो जब तक ये आपकी फेस से आपके अपर हेड से रिमूव ना हो जाए तब तक के लिए आप इस रेमेडी को आप इस रूटीन को फॉलो ही करते रहिएगा. एंड गाइस कुछ दिनों के बाद आप खुद ही देख पाओगे कि आपकी जो टेनी बम्स है वो फाइनली रिमूव हो गई है, आपकी जो अपर हेड है वो फाइनली ग्लो कर रहा है. सो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो बस इतना ही था. आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगी, लगा ही होगा ना यार. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार कंजूसी मत कीजिए, मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर कमेंट. प्लस गाइस अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बाय बाय.